Now, children, let's move on to chapter number 12, and the name is Indian National Awards. So, यहाँ पे इंडिया में कुछ ब्रेव वर्क के लिए आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं. क्या है ये अवार्ड्स? लेट्स रीड अबाउट देम. सो हियर द फर्स्ट अवार्ड कम्स एंड द नेम इज भारत रत्न अवार्ड. सो ये पहला अवार्ड है. इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. इट इज़ गिवन टू फॉर एक्सेप्शनल वर्क फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्ट literature and science or in recognition of public services of high order. So ye bharat ratna kab milta hai? Agar kisi person ne art mein, literature mein, science mein ya phir kisi public service mein kafi acha naam kamaya hai to aise person ko ye bharat ratna award milta hai. इट इज़ मेड ऑफ प्लैटिनम एंड सिल्वर. और ये जो है प्लैटिनम और सिल्वर का बना होता. आप देख सकते हो आपके सामने ये भारत रत्न अवार्ड की पिक्चर भी है. नेक्स्ट इज पद्म विभूषण. इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. ये इंडिया का सेकेंड नंबर पे आने वाला अवार्ड है. इट इज अवार्डेड टू एक्सेप्शनल and distinguished services of the nation in any field. किसी भी फील्ड में अगर लोगों ने नाम कमाया है, कोई एक्सेप्शनल काम किया है, तो ऐसे में उन लोगों को ये पद्म विभूषण मिलता है. Which also includes government services. और इसमें government service को भी include किया गया है. It's made of bronze and white gold. तो ये जो है पद्म विभूषण, ये रहा पिक्चर पद्म विभूषण का. ये जो अवार्ड है ब्रॉन्ज और वाइट गोल्ड से बना हुआ है. नेक्स्ट कम्स पद्म भूषण. ये विभूषण था ऊपर और यहाँ पे है भूषण. सो पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ये तीसरे नंबर पे अवार्ड आता है एंड इट इज अवार्डेड टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ अ हाई ऑर्डर और टू द नेशन इन एनी फील्ड. किसी भी फील्ड में आपने जो है नाम कमाया है तो आपको ये पद्म भूषण मिलता है. इट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड स्टैंडर्ड गोल्ड. ब्रॉन्ज और स्टैंडर्ड गोल्ड से ये अवार्ड बना गया है एंड हियर इज अ पिक्चर ऑफ पद्म भूषण. नेक्स्ट इज पद्मश्री. इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ये जो है पद्मश्री जो है हाईएस्ट सिविलियन फोर्थ नंबर पे आता है सिविलियन अवार्ड्स में एंड इट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड. अगर आपका कोई किसी तरीके का कोई भलाई वाला काम है, कोई कंट्रीब्यूशन है किसी भी फील्ड में, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है एंड इट इज़ मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील. तो पीछे पेज पे आपने इसकी पिक्चर देखी थी. तो जो फोर्थ अवार्ड था वो था पद्मश्री और ये ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील से बनता है. नेक्स्ट इज परमवीर चक्र. परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैल्योर और सेल्फ सैक्रिफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड एट सी और इन एयर. इट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज. तो अगला जो अवार्ड हम पढ़ रहे हैं चिल्ड्रेन, उसका नाम है परमवीर चक्र. ये क्या है? ये मिलिट्री का हाईएस्ट अवार्ड है और ये तब दिया जाता है जब आपने एनिमी के सामने जो है खूब लड़ाई की अपने बारे में सोचे बिना. तो ऐसे टाइम में चाहे आप लैंड पे लड़ाई कर रहे हो, चाहे आप समुद्र में कर रहे हो, चाहे आप एयर में कर रहे हो, मीन्स आर्मी में कर रहे हो, नेवी में कर रहे हो या फिर एयरफोर्स में कर रहे हो, कहीं भी आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, एनिमी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है परमवीर चक्र और ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है. एंड हियर इज अ पिक्चर ऑफ परमवीर चक्र. नेक्स्ट इज महावीर चक्र. इज द सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी whether on land at sea or in air.
तो ये जो है परमवीर चक्र के बाद दूसरे नंबर पे आने वाला अवार्ड है महावीर चक्र, और सेम है मींस सबसे हाईएस्ट डिग्री पे आएगा, उसके नीचे अगर आपने कोई काम उससे थोड़ा लो किया है तो आपको महावीर चक्र मिलेगा। द मेडल इज मेड ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर, ये जो मेडल है वो स्टैंडर्ड सिल्वर से बनाया जाता है। सेवेंथ अवार्ड इज वीर चक्र, इज द थर्ड गैलेंट्री अवार्ड, इट इज प्रेजेंटेड फॉर एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द बैटल फील्ड, मीन्स लड़ाई के मैदान में अगर आप जीते हैं तो उस चीज़ के लिए, ब्रेवरी के लिए, आपके आप कितने ब्रेव हो उसके लिए जो है ये अवार्ड, ये थर्ड नंबर पे आने वाला अवार्ड है जो दिया जाता है, इसका नाम है वीर चक्र, एंड इट इज मेड ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर, और ये स्टैंडर्ड सिल्वर से बना हुआ है। एट्थ अवार्ड इज अशोक चक्र, इज द इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर वैल्योर, ब्रेवरी एंड सम एक्ट ऑफ डेयरिंग और सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। तो अशोक चक्र कब दिया जाता है, ये एक इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है जो दिया जाता है बहादुरी के लिए और खुद को न्योछावर करने के लिए। अगर आप देश के लिए अपने आप को न्योछावर कर देते हैं तो आपको ये अवार्ड मिलता है। इट इज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द परमवीर चक्र, ये परमवीर चक्र के बराबरी से माना जाता है। द डेकोरेशन मे बी अवार्डेड ईदर टू मिलिट्री और सिविलियन पर्सनल्स, ये जो डेकोरेशन है या तो मिलिट्री को मिलता है या फिर सिविलियन पर्सनल्स को मिलता है, उनकी फैमिली को मिलता है। द मेडल इज मेड ऑफ गोल्ड गिल्ट, ये गोल्ड के गिल्ट से बना हुआ अवार्ड है। द लास्ट अवार्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज अर्जुन अवार्ड, was instituted by the government of India in 1961 to recognize outstanding achievement in national sports. तो स्पोर्ट्स में जो लोग नाम कमाते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में इस अवार्ड को नाम दिया था। नेशनल स्पोर्ट्स में अगर आपका बहुत अच्छा अचीवमेंट है तो आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। The award carries a handsome amount of bronze statues of Arjun and a scroll. ये जो award है इसमें आपको क्या मिलेगा, अर्जुन की statue मिलेगी। आप देख सकते हो उन्होंने जैसे निशाना साधा था कब मछली की आँख में, वैसे एक sculpture बना हुआ आपको मिलता है यहाँ पे। It can be given to more than one sports person, और ये एक से ज़्यादा sports person को दिया जाता है। So these were the awards, children. Now let's move on to take the correct option. So here, children, the first question is: take the correct option. Which award, which among the following is the second highest civilian award of India? India ka highest second number pe aane wala award kaun sa hai? So is it Padma Shri, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, or Veer Chakra? So it is Padma Vibhushan. Which among the following is the highest guarantee award? सबसे ज़्यादा highest guarantee award कौन सा है? भारत रत्न है, वीर चक्र, परमवीर चक्र और अर्जुन अवार्ड। So it is परमवीर चक्र। Third one is which among the following medals awards is made of gold gilt? कौन सा award है जो gold gilt से बना हुआ है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और पद्मभूषण। So it is अशोक चक्र। Which of the following awards can be awarded to a civilian or military personnel? Military personnel को कौन सा award दिया जाता है इसमें से? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। So it is अशोक चक्र। Fifth one, which award honors a coach who has successfully trained a sports person or a team? तो कौन सा अवार्ड है जो किसी कोच को या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और द्रोणाचार्य अवार्ड। सो इट इज द्रोणाचार्य अवार्ड। नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट व्हिच इज नेम द इंडियन अवार्ड्स वन बाय द फॉलोइंग पर्सन। तो यहाँ कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, ईयर ऑफ अवार्ड दिया गया, आपको बताना है कि इन लोगों को कौन सा अवार्ड मिला है। सो फर्स्ट नेम इज
लाल कृष्ण आडवाणी 2004 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। सेकेंड इज मुलायम सिंह यादव 2023 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला। फोर्थ वन इज पद्म सुब्रमण्यम इन 2024 इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला। फिफ्थ वन इज शैलेश नायक 2024 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। सो यहाँ पे चिल्ड्रेन कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं, जो बाकी बचे हुए हैं आपको ढूंढना है कि इन लोगों को कौन से अवार्ड मिले। सो दिस इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ।